हाँ जी, आ जाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, तुमोरन की जय हो। सीताराम को जप है पड़ोसी, बिंदी लगाए बालक बैठा, आ जाओ पीछे में, नहीं नहीं नहीं, और ये पंडित जी जो चश्मा लगा के अभी बालक आया था, इनके जस्ट पीछे वाला, पीछे और पीछे, हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ मैं इस तरफ, ये जी जी जी, खड़े हो जाओ, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ, ये हो गया कुर्ता पहने वाला, कहाँ के हो? अरे वाह, माइक लो पहले। हेलो हेलो, बोलो, छिंदवाड़ा का हूँ। हेलो बोलो। हेलो, कहाँ पड़ता है ये? ये अपना छिंदवाड़ा के पास, जिन्नारदो गांव है, जामई में, उधर एमपी में पड़ता है। नियम का पालन कर लेंगे? कर लूंगा। राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए क्या बात है सर? मेरा कर्जा बहुत हो गया, मेरे को हाथ पैर मेरे काम ही नहीं कर रहा, अभी इलाज करवाना है, तो आपका सुना तो आपके ठीक नजदीक आओ। आर्थिक तंगी, परिवार में हैरानी बनी हुई है, काम सफल नहीं हो रहे हैं, 5 साल से बंद हो गया है, बंधन किया गया है, बाएं अंग के हाथ में दिक्कत बनी हुई है, सुन्नपन आ रहा है, नस का दबाव है, दिमाग भी काम नहीं करता, क्रोध अत्यधिक आ रहा है, ऐसी अर्जी लेकर के आए हैं आपके ऊपर। प्रताप, राम प्रताप नामक तांत्रिक ने भूत बाधा कर दी है, कट जाएगी दरबार से, काम आपका 6 से 7 माह बाद चलने लगेगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, जय श्री। क्या यही बात है? जी हाँ। माइक से बोलो। जी हाँ। ठीक है, यहाँ पहले से बताया क्या? कहाँ पे? हमें या किसी को बताया क्या पहले से परेशानी? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताया। शरीर को पूरा सुन्न कर देता है और जकड़ लेता है और दिमाग को भी बांधे हैं, ऐसे लगने लगता कि बैठे हैं तो बैठे ही रहें, सो रहे हैं तो सोते ही रहें। आपके घर पर एक कवच रखा है, माइक लो पहले तो। आपके घर पर एक सिद्ध करवाया हुआ कवच रखा है, उस कवच को आपने गोदरेज में रखा है, रखा है, उसको विसर्जित कर देना। ये नारियल धाम पर जाओ, जो ना समझियो कि हम पगल आए, हम तुम्हारी संपत्ति भी देख ले, भी कितने धर हैं तुम, अगर तुमने हमसे झूठ बोलो तो हमने देख ले कि कितने रुपया धरे, सो हमने भेज दी तुम्हारे, वाह वाह कौन सी कर रेडा कहा हाओ, जोन पैसा पकड़ा दूंगे कहा कहो जात, हाओ CID, अब जो कछु हो समझ जाओ, तो अगर हमसे झूठ बोले तो हमने तुम्हारे सबरे देख लाए, इसे कछु दे जाइयो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भाई, जब गोदरेज को कवच पकड़ सके तो तुम्हारे पैसा ना पकड़ती, बोलो हाँ, दोनों हाथ उठा करके बोलो, बागेश्वर धाम की।